झुंझुनू में मां और 3 साल की बेटी का शव पानी के टैंक में मिला है। सूचना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने हत्या करके शव को टैंक में डाल दिया। बेटी के शव पानी के टैंक में डाले। सूरजगढ़ के भापर गांव का मामला। परिजनों का आरोप, पीटते थे ससुराल वाले। मृतका पर जमीन बेचकर रुपए लाने का बना रहे थे दबाव। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के भापर गांव में एक विवाहिता और उसकी 3 साल की बेटी की लाश घर में बनी पानी की हौद में मिली है। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद से विवाहिता का पति, ससुर, जेठ व जेठानी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक चुरू जिले के राजगढ़ के समीप जैतपुर गांव की 32 साल की मंजू की शादी 4 साल पहले भापर गांव के सतवीर महला के साथ हुई थी। पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति सतवीर अपनी पत्नी मंजू के साथ मारपीट करता था। करीब साल भर पहले भी रिश्तेदारों की पंचायत हुई और मंजू को वापस जैतपुरा गांव से ससुराल भापर लाया गया, लेकिन आरोपों के मुताबिक सतवीर के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। मृतका के भाई आजाद सिंह तथा बहन रमा ने आरोप लगाया है कि सोमवार को पति सतवीर और अन्य परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर उसे होद में डालकर हत्या कर दी। SHO रविंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और पति समेत अन्यों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों के शवों को होद से निकलवा कर मोर्चरी में रखवा दिया है, जिनका मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा। मेरी बहन सिस्टर मंजू, मंजू नाम है मेरी बहन का, बापर वो उसकी शादी की हुई थी। पति का नाम है सत्यवीर, 4 साल शादी करे हो गए, 3 साल की बच्ची थी। दोनों को कुंड में डाल दिया, ऊपर से टाकी बंद करके और उसके ऊपर रस्सा बांध दिया गया है। बड़े हुए थे 12 महीने से, लड़की मेरे घर पे थी और बिचौला साथ में लेके 3-4 गांव के जाके लेके आए थे। इनका मामा गया था साथ में, मामा लेके आया था, इनका मौसा साथ में गया था, वो लेके आए थे, बोला झगड़ा नहीं होगा। 10 दिन पहले फिर झगड़ा हुआ है, फिर इसको न्यारी की गई है, फिर इसके साथ मारा पिटी हुई है, फिर आज सुबह फिर इसके साथ मारा पिटी हुई। मेरे पास फोन आया कि मेरे को मारेंगे और मैं बोला ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी लेके गया हुआ था, आया आते ही इधर फिर आया, आते ही आया तो ये घटना मिली है। बता दें कि मंजू की शादी 4 साल पहले भापर गांव के रहने वाले सतवीर महला से हुई थी। दोनों की एक 3 साल की बेटी मानसी थी। मंजू के बड़े भाई आजाद सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि सतवीर उसकी बहन के साथ मारपीट करता था और कहा कि सोमवार को भी बहन के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद मंजू ने अपनी भाभी सुशीला को कॉल किया और रोने लगी, बताया कि उसकी पिटाई की जा रही है। सुशीला ने मंजू की बड़ी बहन रमा से फोन पर बात करवाई, उसे भी बताया कि उसका पति और ससुराल वाले बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और आज उसका आखिरी दिन है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही फरार ससुराल पक्ष वालों की तलाश शुरू कर दी। तो खबर अब अजमेर से, जहां तोपदड़ा में एक विधवा की हत्या का मामला सामने आया है। घटना का पता तब चला जब शव में से बदबू आने लगी। शव 4 दिनों तक कमरे में बंद पड़ा हुआ था। परिजनों को आशंका है कि लूट के इरादे से या फिर संपत्ति के चलते उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखें पूरा मामला। बंद पड़े कमरे में पड़ी मिली महिला की लाश, सिर पर मिले चोट के निशान, 3 दिन पुरानी बॉडी, बदबू आने पर घटना का पता चला। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। अजमेर के तोपदड़ा क्षेत्र में स्थित मकान में महिला की बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर FSL को बुलाया गया। टीम के द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। क्लॉक टावर थाना पुलिस के अनुसार महिला की हत्या की गई है। महिला की बॉडी को JLN हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। क्लॉक टावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल रात 12 बजे के करीब तोपदड़ा स्थित सुभाष नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को एक घर से बदबू आना शुरू हो गई। पड़ोसियों की सूचना पर क्लॉक टावर थाना अधिकारी महावीर प्रसाद थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मकान में एंटर किया गया। बाद में एक रूम का ताला तोड़कर अंदर जाकर देखा तो प्लंग के नीचे महिला की लाश पड़ी मिली।
क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया महिला की पहचान ललिता कंवर के रूप में हुई। कॉलोनी में एक मकान है ललिता कंवर का, उसके मकान में से बदबू आ रही थी और उसके मकान में किराएदार भी कई रहते हैं, तो उसके मकान को खोल करके चेक किया गया तो उस ललिता कंवर की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। उसके सर पे कोई चोट का सा निशान भी था जिस पर हमने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, अनुसंधान कर रहे हैं। मृतक महिला के रिश्तेदार ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत देकर बताया कि ये सुभाष कॉलोनी अजमेर का रहने वाला है। उसके मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी चाची ललिता कंवर रहती थी। मकान के ऊपरी हिस्से में पिछले 2-3 दिन से बदबू आ रही थी। जब उसने ऊपर जाकर देखा तो चाची वाले हिस्से में चैनल गेट के ताला लगा था। ताला तोड़कर अंदर गए कमरे की कुंडी खोलकर देखा तो बेड के नीचे चाची की लाश पड़ी थी। लाश में कीड़े मिले और बदबू आ रही थी, सिर पर चोट के निशान भी थे। लाश 4 से 5 दिन पुरानी है। रिश्तेदार ने शिकायत में बताया कि चाची को आखिरी बार 4 से 5 दिन पहले देखा गया था। ऊपर हिस्से में किराएदार के साथ रहती थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी चाची के सिर पर मारकर हत्या की है। गुरुवार की शाम तक हमारी उनसे वीडियो कॉल पर इन पर बात हुई। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने संडे को तो खुद जयपुर वापस आने के लिए बोला हुआ था, लेकिन जब उनका फ़ोन संडे को नहीं मिला तो हमने एक दिन वेट किया। उनके सर पर चोट का निशान था और डेड बॉडी अंदर पड़ी हुई थी। बाहर से उनका जो रूम है वो किसी ने बंद कर रखा था ताकि अंदर जाके कोई देख ना सके, इस वजह से किसी को जल्दी पता नहीं चला। 3-4 दिन से शायद उनकी डेथ हो चुकी थी। बता दें कि मृतक महिला के मकान में 3 से 4 किराएदार निवास कर रहे थे। पुलिस के द्वारा शक के आधार पर किराएदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले में जल्द खुलासा कर सकती है। सीकर के श्री माधोपुर थाना क्षेत्र में चोर वकील के घर से 2.5 लाख नकद, 1.5 किलो चांदी के बर्तन ले गए। पीड़ित ने श्री माधोपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चोरी की यह वारदात CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। देखें पूरी रिपोर्ट। बंद मकान से 2.5 लाख नकदी, चांदी के बर्तन चोरी। पड़ोस के मकान में था परिवार, सुबह सफाई करने आए तो चोरी का पता चला। सीकर के श्री माधोपुर इलाके में बंद मकान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। जब चोरी हुई उस वक्त परिवार पड़ोस में दूसरे मकान में रह रहा था। जब सुबह वह सफाई करने के लिए आए तो उन्हें चोरी का पता चला। अब श्री माधोपुर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। सीकर के श्री माधोपुर निवासी अरुण कुमार सैनी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि चोर उनके घर के मेन गेट का ताला तोड़कर अलमारी में रखे करीब 1.5 से 2 किलो चांदी के बर्तन और करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए। पुलिस को दी रिपोर्ट में अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि वह पड़ोस में बने दूसरे मकान में रह रहे थे। सुबह जब मकान में सफाई करने के लिए आए तो उन्हें चोरी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर अब अजमेर के गंज थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस ने 26 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2,21,000 रुपए बरामद किए गए। सभी आरोपी अजमेर और नसीराबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखें पूरा मामला। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 26 जुआरी गिरफ्तार। जुआ एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। अजमेर के गंज थाना अंतर्गत काची मोहल्ले में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 26 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2,21,600 रुपए नकदी बरामद की है। पूरी कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर प्रशिक्षु IPS अभिषेक शर्मा के द्वारा की गई है। गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर जुआ एक्ट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंज थाने के हेड कांस्टेबल चेनाराम ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर प्रशिक्षु IPS अभिषेक शर्मा और थाना अधिकारी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा थाना क्षेत्र के काची मोहल्ले में दबिश दी गई। दबिश के दौरान छक्का दाना से जुआ खेलते हुए 26 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिनके कब्जे से 2,21,360 रुपए बरामद किए गए हैं। हेड कांस्टेबल के अनुसार आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपी सार्वजनिक स्थान में जुआ खेल रहे थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय तथा श्रीमान
वरताधिकारी वर्त दरगाह के निर्देशन में श्री अभिषेक आईपीएस प्रोफेसर तथा थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर की इतला मिलने पर घांची मोहल्ला दिल्ली गेट के पास दबिश दी गई, जहाँ पर छक्का दाने से जुआ खेलते हुए 26 व्यक्ति मिले, जिनको 13 आरपीजीओ में गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें कुल 2,21,360 रुपये बरामद हुए। प्रकरण में अनुसंधान जारी। तो चाकसू कस्बे से एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कमरे में छत पर लगे कुंदे से तोलिए का फंदा लगाकर लटका मिला। पुलिस की माने तो सुसाइड करने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखें पूरा मामला। युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहा था तैयारी। कारणों का नहीं हुआ खुलासा। कस्बे के वार्ड 9 निवासी युवक विश्वास शर्मा, जो 24 साल का था, उसने मंगलवार दोपहर को अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी परिजनों को पता चलने पर युवक को फंदे से उतार कर उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मौके पर किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके कारण अभी कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। युवक पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चुरू के सरदार शहर एडीजे कोर्ट ने 5 साल पुराने हत्या मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से कुल 26 गवाहों के बयान करवाए गए। 5 आरोपियों को चुरू जेल भेज दिया गया। साल 2018 में आरोपियों ने कंडक्टर पर सरियों से हमला किया था। इलाज के दौरान कंडक्टर की मौत हो गई थी। देखें पूरा मामला। हत्या के आरोपियों को उम्र कैद। परिचालक पर रॉड से हमला कर दी थी हत्या। 5 साल पहले रोडवेज के कर्मी की हुई थी मौत। कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 5 साल पुराना है, जिसमें आरोपियों ने एक रोडवेज चालक की रॉड से पीट कर हत्या कर दी थी। मामले के अनुसार उदासर बिदावतन के सुरेंद्र सारण और मीना राम, खारा दुधवा के कपिल बुडानिया और बिसाऊ के नितेश जयानी, चुरू के चलकोई गांव के जिनेड सिंह ने 15 जुलाई 2018 को बस स्टैंड पर स्थित एक गेस्ट हाउस में सीकर जिले के किशनपुरा रानोली के रहने वाले रोडवेज परिचालक सुशील जाट पर रॉड से हमला कर दिया। आरोपियों ने परिचालक को बुरी तरह से पीटा, जिससे वह घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल परिचालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद पिछले 5 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। मामले में मंगलवार को सरदार शहर अपर सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार अग्रवाल ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास सुनाई। मामले में सरकार की ओर से पैरवी एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो आज के शो में इतना ही। कल फिर लौटेंगे समाज में हो रही घटनाओं, हादसों, आम जनता की गुहार और अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।